भागलपुर के सबोर थाना क्षेत्र में हुए दो लूटकांड का खुलासा आज सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर किया। पहला मामला पीरबन्ना बहियारपुर के समीप का है, जहां 25 जुलाई की रात्रि करीब 10 बजे यहां 6 अपराधियों ने अभिषेक कुमार राय से मोबाइल और 3000 रुपए लूट लिए थे। वहीं दूसरी घटना सबोर थाना क्षेत्र के कुरपट पुल के समीप की है, जहां 29 जुलाई को रात 11 बजे धीरेन्द्र कुमार से 3 अपराधियों ने कट्टा दिखाकर 2 मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 6000 रुपए नगद लूट लिए। साथ ही मारपीट कर घायल भी कर दिया था। मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि घटना के उद्भेदन के लिए सबोर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद मामले का उद्भेदन किया गया। कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लूटे गए 3 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। चारों अपराधी का नाम विकास कुमार, मुन्ना कुमार, गौरव कुमार, चंदन कुमार है। चारों अपराधी सबोर थाना क्षेत्र के लेलख के रहने वाले हैं। सिटी एसपी ने बताया कि इसमें 3 और अज्ञात अपराधियों की खोज जारी है, उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। टोटल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों घटनाओं में जो लूटा हुआ मोबाइल था वो 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, संभवतः यह वही कट्टा है जिसके दम पे लूट की घटना की गई थी। भागलपुर जिला अंतर्गत भीपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव स्थित घटोरा घाट पर स्नान करने के दौरान में नदी में डूबने से 2 सगे भाई समेत 3 किशोरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे एक ही गाँव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान सोनवर्षा वार्ड संख्या 10 निवासी साहिल कुमार 11 वर्ष, सागर कुमार 14 और पीयूष कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने तीनों शव को गंगा नदी से बरामद कर लिया है। सूचना मिलते ही भीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार स्नान करने के दौरान एक किशोर साहिल का पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। डूबने लगा तो साहिल का बड़ा भाई सागर और गौरव दोनों मिलकर बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तीनों किशोरों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के ट्राइसम भवन में आगामी मोहर्रम और 15 अगस्त को लेकर एसडीएम मधुकांत की अध्यक्षता में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मोहर्रम को लेकर ताजिया निकालने से पहलाम होने तक के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि निर्धारित रूट से ही ताजिया निकाला जाएगा, पहलाम होने तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। बैठक में कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार सिन्हा, नागर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सोनी कुमारी, कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सभी थाने के थाना अध्यक्ष एवं विभिन्न मोहर्रम अखाड़ों के प्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर गांव में खाना बनाने के दौरान मां बेटी समेत 3 लोग झुलस गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि आज सुबह कहलगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी दिलीप पासवान की 40 वर्षीय पत्नी नीतू देवी और 18 वर्षीय बेटी अंशुप्रिया दोनों मिलकर खाना बना रही थी। इसी बीच गैस सिलेंडर के पाइप लीक होने लगी, जिससे आग लग गई, जहां आग की लपटों की चपेट में आने से मां और बेटी झुलस गई। वहीं जब आनन फानन में घटना को देख जब दिलीप पासवान का छोटा भाई संजीव कुमार बचाने गए तो वे भी झुलस गए और किसी तरह आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद सभी घायलों को कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए JLNMCH भागलपुर भेज दिया है। आगामी मोहर्रम त्योहार को लेकर भागलपुर जिले पीरपेंदी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष ने सभी से भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक अवधेश चौधरी, जिला परिषद सदस्य कैलाश यादव, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, मानिकपुर पंचायत मुखिया अरविंद शाह, बुलबुल सिंह, पीरपेंदी मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अयाज, सत्यनारायण ओझा, पूर्व मुखिया राजेंद्र यादव, अशोक सम्राट, मोहम्मद कामलीन, पूर्व मुखिया मोहम्मद फारूक सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। भागलपुर जिले में एक और जहां बारिश होने से चिलचिलाती धूप के साथ उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं खेतों में हल्की फुल्की पानी भरने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और किसानों ने धान की रोपनी शुरू कर दी है। बताते चले कि शनिवार से लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। किसान पिछले कई दिनों से बारिश के आस लगाए बैठे थे। बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ रही थी। कुछ किसानों के धान की नर्सरी सूखने की कगार पर थी। शनिवार की देर रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद किसान जोर शोर से धान बुआई करने में जुटे हैं।
जगदीशपुर थाना एवं बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत भागलपुर हंसडीहा राजमार्ग पर सावन की तीसरी सोमवारी के मद्देनजर डाक बम का रैला रविवार दिन से रात तक चलता रहा। बताते चले कि सोमवार की सुबह तक डाक बम के रूप में कांवड़िए इस मार्ग पर चलते रहते हैं। अनुमान के मुताबिक भागलपुर हंसडीहा राजमार्ग पर करीब 50,000 से अधिक डाक बम गंगाजल लेकर विभिन्न शिवालयों पर जाते हैं। कांवड़िए इस मार्ग से होकर बासुकीनाथ, गोड्डा, जेठोर, धनकुंड के साथ बिहार, झारखंड के विभिन्न शिवालयों में जलार्पण करते हैं। डाक बम के रूप में महिला पुरुष के साथ साथ बच्चे भी जोश उत्साह से झूमते हुए दिखाई देते हैं। बताते चले कि इस राजमार्ग से पैदल कांवरियों के साथ साथ दोपहिया वाहन से भी भारी संख्या में लोग जल अर्पण करने बासुकीनाथ पहुंचते हैं। जगदीशपुर थाना एवं बाईपास थाना अंतर्गत बाईपास खीरीबांध, बैजानी, मखना, बलुआचक, पुरैनी, जगदीशपुर के विभिन्न चौक चौराहों सहित कई स्थानों पर कांवरियों की सेवा करने के लिए जल एवं फल आदि लेकर बहुत से सेवक नजर आए। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार और बाईपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने अपने अपने थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करीब 50 की संख्या में हर चौक चौराहों पर तैनात कर रखी है ताकि डाक बम को कोई परेशानी नहीं हो और क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाई रहे। भागलपुर जिले की मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत नामजद दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनकी गिरफ्तारी रामपुर मुसहरी गांव से की गई है। मामले में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि बीते मार्च महीने में ALTF की टीम व मधुसूदनपुर ओपी पुलिस द्वारा अवैध शराब छापेमारी के दौरान रामपुर मुसहरी गांव निवासी हीरालाल मांझी व रिंकू मांझी के घर से आसमानी रंग के प्लास्टिक के डब्बा में रखे करीब 100 लीटर अर्धनिर्मित महुआ घोल बरामद हुआ था, जिसे वहीं विनिष्ट कर दिया गया था। वहीं पीले रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 14 लीटर शराब बरामद की गई थी। उस समय सभी आरोपित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। उक्त कांड में हीरालाल मांझी, रिंकू मांझी और सुनील मांझी को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें आज हीरालाल मांझी और सुनील मांझी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार एक आरोपित की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी परिसर में आज मुहर्रम के लिए शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता BDO हरिमोहन कुमार ने की। CEO अजय कुमार सरकार, भवानी ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह, उप प्रमुख अशोक कुमार यादव आदि थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुहर्रम के दिन अखाड़ा द्वारा खलीफा स्वयंसेवक तैनात रहेगा, जिसे अखाड़ा द्वारा बेच दिया जाएगा, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का काम करेंगे। शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मुहर्रम के दिन पुलिस सादे लिबास में तैनात रहेगी। सभी अखाड़े के पहलाम समय पर होंगे। जो समय रहेगा उसी समय के अनुसार अखाड़ा निकलेगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 8 अगस्त को शांतिपूर्ण जुलूस निकलेगा, वहीं 9 अगस्त को सावन की लास्ट सोमवारी को देखते हुए 12 बजे के बाद जुलूस निकाला जाएगा। बैठक में मोहम्मद छोटू, अब्दुल रहमान, ग्यास अली, रुस्तम खान, इरशाद अली, सफर तथा रियाजुल खान, बशीर खान, समीम अख्तर, मोहम्मद बदरुल अहमद, मोहम्मद रहमान आदि शामिल थे। सुल्तानगंज में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अब अपने पूरे परवान पर चढ़ चुका है। गंगा घाट से लेकर कच्चा कांवरिया पथ पर 2400 घंटे शिव भक्तों का कारवां गुजर रहा है। संपूर्ण मेला क्षेत्र गेरुआ रंग से पट गया है। चारों ओर बोलबम के उद्घोष हो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के जयकारों से पूरा अजगैबी नगरी का माहौल भक्तिमय हो उठा है। श्रावणी मेले के 18वें दिन देश विदेश से पहुंचे लगभग 80,000 कांवरिया पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए आस्था की डगर पर निकल पड़े हैं। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 24 घंटे के अंदर बिना रुके जल अर्पण करने के लिए रविवार को डाक कांवरियों का हुजूम गंगा तट पर उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान के बाद जलपात्र में गंगा जल भरकर संकल्प पूजन के बाद 105 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा कच्ची कांवरिया पथ का माहौल भक्तिमय हो उठा। मेला अब अपने पूरे परवान पर चढ़ चुका है। पूरा गंगा तट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ पर केसरिया मय रंग गया है। चारों ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। श्रावणी मेले के तीसरी सोमवारी के मौके पर जलार्पण करने डाक कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा स्नान के बाद लगातार कांवरिया, जो डाक कांवरिया हैं, गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए बढ़ रहे हैं। यह आप तस्वीर जो देख सकते हैं, कांवरिया पथ पर जो डाक कांवरिया है 24 घंटे के अंदर अपना जलार्पण बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करेंगे। लगातार जो कांवरिया का जो हुजूम है बाबा नगरी की ओर, बाबा के जयकारों के साथ लगातार अपने पद को आगे बढ़ाते हुए बाबा नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा माहौल जो है भक्तिमय होता है। चारों ओर केसरिया रंग रंगा है। बाबा भोलेनाथ के लगातार जयकारे लग रहे हैं, जिससे पूरा माहौल जो है अजगैबी नगरी का भक्तिमय होता है। संतोष कुमार, रिसेंट न्यूज।
भागलपुर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 142वीं जयंती के अवसर पर हरिजन आवासीय विद्यालय कंपनी बाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर IDSO के जिलाध्यक्ष प्रणव कुमार ने कहा कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद अपनी लेखनी से आम लोगों के अंतर्मन को छूने, उनकी समस्याओं को मार्मिक रूप से चरित्रिक चित्रण करने व समाज में प्रेम भाईचारा स्थापित करने पर विशेष बल दिया है। शोषित के दर्द व उनके मन के मर्म को उपन्यास की पंक्ति में पिरोने, उपन्यास को बेहद खास तबके की हिंदी से निकालकर आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा बनाई है। साथ ही साथ लिखे उपन्यास आज भी युवाओं को मानवता व राष्ट्रभक्ति का पाठ सिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेमचंद सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए दैनिक जीवन की तमाम दुश्वारियों को अपनी कहानियों में डाला। उनके शब्दों का अनुसरण हो जाए तो शायद सारी विषमताएं समाप्त हो जाएं।